तो यार व्हाट्स अप गाइस, यार कैसे आप लोग। तो यार आज हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। यार 2 दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि यार सवाना बयान थोड़ा सा लेट लग गया, मतलब रिकॉर्ड एंड ऐसे ट्रक करने में। तो यार आज हम जाने वाले हैं सवाना बयान में। तो यार आप लोग देखो और वीडियो को एंजॉय करो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा फटाफट कर दो यार, 25 सब्सक्राइबर कर दो फटाफट जल्दी से। ठीक है, फटाफट जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, 25 सब्सक्राइबर कर दो फटाफट। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यार आज अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को देखकर पूरा मज़ा आएगा। और यार वहाँ पर बहुत सारे मतलब मॉब्स होने वाले हैं यार, बहुत लैग होने वाला है वहाँ पर, क्या ही बोले यार, बहुत गंदा वाला लैग हो रहा था। मैं यार काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने की भी नहीं, मतलब कट कट करके की, मतलब थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की रॉ फुटेज जो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यार वहाँ पर इतना गंदा लैग हो रहा था ना, मेरा गेम पूरा स्टक हो चुका था। मतलब स्टक क्या मीन्स, मैं एक एक कदम मैं फूक फूक कर रख रहा था, क्योंकि यार वहाँ पर बहुत मतलब अराउंड कितने ऊपर की तरफ अराउंड पर बहुत सारे स्पॉनर थे। तो यार आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहाँ पर क्या क्या थे, आप लोग वीडियो को देखो एंजॉय करो। आगे जाने से पहले यार तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जो यार मैंने इतने सारे स्काई ब्लॉक कॉइन ये किए, क्योंकि यार मैं कुकी सेल कर रहा था, आप लोग देख सकते हो इतने सारे यार, मतलब बहुत सारे मैंने कुकी सेंड किए, अराउंड 18,000 कुकी मैंने सेल कर दिया, 18,632। तो यार हम फटाफट चलते हैं जो हमारी क्या बोलते हैं, जो मैंने मटन लगाया था वो मैं मटन कुक करने के लिए लगाया था। फटाफट मैं मटन को ले लेता हूँ, अराउंड 500 मटन करने थे तो यार मेरे 442 हो चुके हैं। यहाँ पर दूसरा मटन और यहाँ पर 88 बचा, और यहाँ पर तीसरा मटन लेंगे तो यहाँ पर हमारा न्यू क्वेस्ट खुल जाता है अनारची। यहाँ पर क्वेस्ट में जाते हैं और अनारची में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रहता है हमारा किल चार्ज क्रीपर 0/3, तो हमें मिलेगा न्यू आइलैंड स्वाम्प प्लांट। तो यार फटाफट हम क्रीपर को मारने चलते हैं। Soon after. फिर बात यार तो यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर हमारा रहता है 3 चार्ज क्रीपर, तो फटाफट हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्लिक में ही अनारसी कम्प्लीट हो जाता है। तो यार देख सकते हो कि 4 न्यू क्वेस्ट आ चुका है और हमारा स्वैम्प आइलैंड भी खुल चुका है। तो फटाफट हम चलते हैं स्वैम्प आइलैंड की तरफ। तो यार हम फटाफट अनारसी को रिडीम करते हैं, तो फटाफट यहाँ पर क्लिक कर टू रिडीम कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि यार हमारे स्क्रीन पर आ चुका है अ न्यू आइलैंड अपीयर इन द डिस्टेंट। तो फटाफट हम चलते हैं न्यू आइलैंड की तरफ। तो मैं ढूंढता हूँ कि आइलैंड है कहाँ, ठीक है, मुझे नहीं मिलता है वो, क्या ही बोले भाई, क्योंकि यार इतना बड़ा मैंने आइलैंड अभी बना लिया, इसको यार अभी पूरा रिपेयर करना है और सब कुछ करना है। तो यार मैं फटाफट ढूंढता हूँ कि ये आइलैंड है कहाँ, क्योंकि मुझे तो आइलैंड नहीं दिख रहा था यहाँ वहाँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक बार, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार उस तरफ तो बच गया, तो फटाफट हम उस तरफ चलते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर शीशिया लॉग अब लोग देख सकते हो इतने सारे हैं, इसको भी अभी तोड़ना है। अभी यार न्यू मिशन भी आ चुका है कि हमें ये भी करना है, क्या बोलते हैं, अशीशिया है, उसके बाद अभी डार्क हो गया अभी जो स्वैम्प आइलैंड में। तो फटाफट हम स्वैम्प आइलैंड की तरफ चलते हैं, आप लोगों को मैं डर्ट लेकर मिलता हूँ। यहाँ पर चलते हैं स्वैम्प आइलैंड की तरफ, इसको स्वैम्प आइलैंड ही कहते हैं, आई डोंट नो ये क्या कहते हैं, पर मैं स्वैम्प आइलैंड इसको बुलाने वाला हूँ, स्वैम्प लैंड। ओके, स्वैम्प लैंड है ये। तो यार फटाफट हम चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि विच हट है यहाँ पर, अराउंड 3 या 4 विच हट रहते हैं यार, क्या ही बोलें। तो यहाँ पर मैं ब्रिजिंग कर लेता हूँ फटाफट, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ब्रिजिंग किया हुआ ही था, तो फटाफट चल लेता हूँ। और नीचे में देखो यार, नीचे में बहुत सारे मतलब नीचे की तरफ जो रहता है ना, वो जो जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनको पता होगा, नीचे में माइन शाफ्ट है, ठीक है, पूरा माइन शाफ्ट की तरह है सारा कुछ। और मैं मतलब भूल भुलैया टाइप का, मैं भूल भी जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर डायमंड मैं भूल जाता हूँ। तो फिर मैं 2-3 वीडियो बाद, मतलब तो क्या बोलते हैं, इस पूरे आइलैंड को कंप्लीट करने के बाद अराउंड समझ लो कितने 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद मैं जब जाता हूँ फिर से वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे मिल जाता है पानी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं मतलब क्राउच करके ही जा रहा हूँ, मैं स्पीड मतलब स्ट्रेट नहीं जा रहा, अभी स्ट्रेट में गया मैं। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार मैंने एनविल तो लाया, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले खोद के देखता हूँ, ठीक है, कि वहाँ पर नीचे में है कि नहीं स्पॉनर, अगर स्पॉनर रहा तो फटाफट हम उठा लेंगे। तो यार मैं आप लोगों को लॉग वगैरह लेकर मिलता हूँ, मेरा मटेरियल जो मैंने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास एक्स है, और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा क्राफ्टिंग टेबल
तो यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल, ये चेस्ट पे, क्राफ्टिंग टेबल बोल रहा हूँ लॉल, तो चेस्ट पे सारा कुछ सामान हम रख देते हैं और फटाफट हम आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड दिखा देता हूँ कि मैंने इन लोगों को मारा कैसे और इन लोगों से सामान कैसे लिया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी बोर नहीं करना है मुझे, क्योंकि यार अराउंड एक या डेढ़ घंटे का क्लिप है, ठीक है। आप लोग एंजॉय करो उन लोगों को मारने का। यार मैं, यार क्या बोलूँ यार, मैं जो ऊपर वाली जो चीज़ थी यार, मैं वो मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, मुझे अभी पता चल रहा है जब मैं एडिट करने बैठा हूँ। तो यार वो वाली रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि यार वहाँ पर बहुत लैग कर रहा था और बहुत ही गंदा लैग हो रहा था। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पूरा ब्रिजिंग बनाया हुआ है, पूरा आइलैंड में ब्रिजिंग बनाया हुआ है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में, कल या परसों में अपलोड करूँगा, आई डोंट नो कब अपलोड करूँगा। ये वीडियो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट डे भी हो सकता है और उसके अगले दिन भी हो सकता है, क्योंकि यार अभी मैं पिग वाले फार्म पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि यार अभी ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि यार शुगर केन भी आने वाले हैं और बहुत सारे मिशन्स भी आने वाले हैं। तो उसी के वजह से मैं अभी पिग वाले फार्म को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा मे बी, या तो फिर उसमें अभी ज़्यादा स्पॉनर ऐड करने की वजह से, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा और वो भी वीडियो थोड़ा एक दो दिन लेट हो जाएगा यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, क्योंकि यार बहुत सारे मिशन है अभी यार मेरे को, पूरा अभी आइलैंड को अभी पूरा क्लियर करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा अच्छा सा आइलैंड बनाना पड़ेगा। अब मतलब क्लीन अप मीन्स बेस को पूरा एकदम ये क्लियर कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये जो स्लाइम है वो अपने आप मर रहा है कैसे, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं उसको उंगली नहीं करने वाला, फटाफट मैं मार देता हूँ अपनी स्माइट वाली स्वाट से। यहाँ पर हमें विच पॉइजन देती थी और ये पॉइजन बहुत देती है, ठीक है। तो मैं फटाफट विच को मार देता हूँ और यहाँ पर वो स्लाइम भी मुझे मार रहा है। और इनको मारना कैसे यार, कॉन्स्टेंट इनको क्लिक करते रहना है, मतलब क्योंकि ये लोग हीलिंग पोशन लगा ये यूज़ करते रहती है, ठीक है। तो फटाफट हम स्लाइम को मारते हैं यहाँ पर और इनके बच्चे भी आ जाते हैं, तो यार फटाफट हम स्लाइम और स्लाइम के बच्चों को भी नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। और यहाँ पर एक गिर गया और दूसरा वाला खुद ही गिर जाता है, वो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता आई थिंक सो। तो यार आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार आप लोगों को अभी अंदर जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि यार मुश्किल क्या होती है, ठीक है। तो मैं अंदर की तरफ जाकर आप लोगों से मिलता हूँ। तो यार हम नीचे की तरफ चलते हैं फटाफट। तो यार यहाँ पर देख सकते हो कि यार मैं क्राउच करके बैठ चुका हूँ सीढ़ी पे। तो यार यहाँ पर देख सकते हो कि दो दो विच है, ठीक है। और मैं नीचे गया तो वो मारेगी मुझे, तो यार मैं फटाफट क्या करता हूँ, थोड़ा सा चाले की करता हूँ। तो मैं पानी डाल देता हूँ वहाँ पर। पानी डालने के बाद आप लोग देखो कि यहाँ पर कितने सारे जॉम्बीज़ हैं, ठीक है। जॉम्बीज़, एस्केलेटन, विच जॉम्बी, एस्केलेटन, स्लाइम, उसके बाद केव स्पाइडर, स्पाइडर, सब कुछ है। मतलब जितना पूरे सारे मैप में जो जॉम्बीज़, स्केलेटन, जो भी मॉब्स होते हैं वो सारे मॉब्स इस मैप में रहे, ठीक है। इस मैप में लाइक एक दो करके हैं या दो दो करके हैं। विच तो अराउंड चार विच थे और चार स्लाइम थे, ठीक है, स्पॉनर। तो यहाँ पर देख सकते हो जो वो जो विच है वो वहाँ पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर हम फटाफट पानी को ये करते हैं, थोड़ा सा यार फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को इन्जॉय करो यार, मैं थोड़ा सा अभी कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। मतलब थोड़ा तो समझ में आता है, यहाँ पर रोड है, मतलब ब्रिज है। तो यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ तो वहाँ पर देख सकते हो कि स्पॉनर है, ठीक है। तो वो वाले स्पॉनर लेने के लिए मुझे पूरा सर्कल बनाकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ वो सर्कल स्पॉनर था यार। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उल्टा तरफ से मैं ये करूँ, यहाँ पर से माइनिंग करूँ। तो यहाँ पर अपन माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दो ब्लॉक खोदते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रेट खोदते हैं, मतलब माइनिंग करते हैं। तो यार फटाफट आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं माइनिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर वो कोई ब्लॉक आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोल की ब्लॉक रहती है। तो यहाँ पर अपन आगे की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ, मुझे चाहिए था एक रास्ता कि यहाँ पर रास्ता हो, तो वहाँ पर कोई रास्ते नहीं रहता, मैं स्ट्रेट माइनिंग करता रहता हूँ। अब यहाँ पर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे एरिया मिलेगा। तो फटाफट हम यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं खोद कर देखता हूँ कि यहाँ पर ये है कि नहीं। तो यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पर स्ट्रेट जाते हैं क्योंकि एक ब्लॉक का फासला है। और यहाँ पर यार हमें इजीली स्पॉनर मिल जाता है। ये वाला ब्लॉक तोड़ा मैंने, ये तोड़ा और ये वाला भी तोड़ता हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ही स्पॉनर होगा, यहाँ पर वो जॉम्बी वगैरह रहते हैं। फटाफट क्या करता हूँ मैं, ब्लॉक लगा देता हूँ कि ये लोग ना आए, और यहाँ पर ये वाला मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पर ही स्पॉनर रहता है। ये देखो कितना ईजी हो गया यार तुम्हारे भाई के लिए स्पॉनर लेना। लेकिन यार इनको भी मारना ज़रूरी है क्योंकि यार ये लोग बहुत तंग करने वाले हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कि एक स्पॉनर मेरे इन्वेंट्री में रहे, इन्वेंट्री में है। और यहाँ पर यार ये देखो पूरा मैंने रास्ता बनाया हुआ है स्ट्रेट डिगिंग करके, मतलब माइनिंग करके, क्योंकि यार माइन अगर नहीं करता तो यार वो रास्ता नहीं मिलता, और रास्ता नहीं मिलता तो मैं इनको मार नहीं पाता। तो फटाफट हम इनको मार लेते हैं और दूसरे स्पॉनर पे चलते हैं। यार सोचता हूँ कि वो लोग ज़ॉम्बी को मैं बाद में मारूंगा, तो यार मैं चलता हूँ दूसरी जगह। तो यहाँ पर हम फटाफट ब्लॉक को तोड़ लेते हैं जो यहाँ पर मतलब ये रोड का रास्ता था, मतलब सीढ़ी था, सीढ़ी के तरह वो था। तो यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पर तोड़ते हैं, और यहाँ पर मैं पानी लगा देता हूँ क्योंकि वो जो ज़ॉम्बी है वो वहाँ चला जाए, मुझे ना मारे। तो यार यहाँ पर मैं फटाफट आगे की तरफ जाता हूँ। आगे की तरफ जाने के बाद पता चलता है कि यार कि यहाँ पर स्पाइडर है, ठीक है। तो फटाफट ये स्पाइडर मुझे मार देते हैं और मैं मर जाता हूँ। सही सुना आपने, मैं मर जाता हूँ यहाँ पर। ये यार इतना गंदा गेम लैग कर रहा था ना यार, मेरा कुछ भी रनिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरा जो इन्वेंटरी रहता है उसमें से जो आयरन रहता है वो मैं दूसरे चेस्ट में रखता हूँ। वो जो वहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कितने सारे स्पॉनर ऑलरेडी इन्वेंटरी पर, मतलब चेस्ट पर थे। आप लोग देख सकते हो वहाँ पर अराउंड कितने सारे, अराउंड 8 स्पॉनर अभी सिर्फ ऊपर से मिले हैं। उसके बाद नीचे में भी स्पॉनर अराउंड 13 मुझे मिलते हैं, 13 या 16 मिलते हैं स्पॉनर टोटल मुझे। तो फटाफट यहाँ पर देख सकते हो कि यार यहाँ पर पूरा मैंने लैडर की तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पर से मैं लेने आया था आयरन, क्योंकि ये वाले चेस्ट में मैंने आयरन रखा था यहाँ वाले चेस्ट पर। ये देखो ये रहा दूसरा चेस्ट जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पर से मैं आयरन ले लेता हूँ और फटाफट मैं चलता हूँ अपना पिकैक्स को रिपेयर करने के लिए। फटाफट मैं नीचे की तरफ जाकर आप लोगों से मिलता हूँ। यार मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। Soon after वहाँ से यार वो कुछ काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ। तो और मैं चलता हूँ कि यार जो मैंने रास्ता बनाया वही सर मैं रास्ता दूसरा भी बना लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। तो फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम फटाफट तोड़ लेंगे रास्ता को, ये वाला जो रास्ता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मैं रास्ता फटाफट तोड़ता हूँ, और यहाँ पर सपन सोचते हैं कि आगे जाएंगे। और आगे जाने से पहले पता चलता है कि वो आ जाता है विच। ये देखो आ जाएगा वो, मुझे देखा नहीं, आ गया वो, आ गया मुझे मार रहे भैया जाले। यार ये बहुत भाई मतलब क्या ही बोले भाई, इतना मतलब ऐसा विच है जो भाई हीलिंग पोशन मतलब इतने सारे हैं इस नूबड़ी के पास कि यार वो कांस्टेंट में उसको क्लिक करे जा रहा हूँ उस पर, वो मर ही नहीं रही है, वो हील करे जा रही है, हील करे जा रही है। तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं बहुत बार मरा हूँ यार, मैं अनगिनत बार मरा हूँ यार। ये ऐसा आइलैंड था मतलब भाई ये सबसे टफ आइलैंड है, ठीक है, स्काई ब्लॉक का सबसे टफ, ठीक है। तो यार फटाफट मैं चलता हूँ और वो वहाँ पर मेरा वेट करती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके आके जाता हूँ, और यहाँ पर वो जो ज़ॉम्बी है वो आ चुका है। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ जल्दी से कि वो और ना आए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर से रास्ता बना लेता हूँ जो मैं पहले सोच रहा था बनाने का। तो यहाँ पर से हम फटाफट रास्ता बना लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे में कितने सारे स्केलेटन क्रीपर है यार। क्रीपर भी आ रहे हैं, मैं क्रीपर को भूल गया था, सॉरी क्रीपर यार, मेरे पे फट ना मत यार। तो यहाँ पर जब फटाफट मैं नीचे की तरफ बनाता हूँ, तो नीचे की तरफ भी यार स्लाइम और विच लानी रहती है यार हमारी। यार क्या बोलूँ मैं मतलब भाई इतने सारे विच इस आइलैंड पर क्यों। तो यहाँ पर फटाफट हमें स्पॉनर मिल जाता है, तो हम स्पॉनर को ले लेते हैं, विच स्पॉनर ही रहता है वो, तो हमें फ़ायदा हो गया कि स्पॉनर का। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर से मैं रास्ता बना लेता हूँ, तो और मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और यहाँ पर से मैं देखता हूँ कि कोई रोड वगैरह मिल रहा है कि नहीं। और ये ब्लॉक तोड़ने से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले रुको, मैं पहले देखता हूँ कि वहाँ पर से जगह क्या है नेसेसरी स्टफ। और वहाँ पर देखो यार वहाँ पर बहुत सारे एस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा स्टफ है। तो यार फटाफट मैं यहाँ पर ये डर्ट को तोड़ता हूँ। आई डोंट नो ये बीचों बीच में डर्ट क्यों है,
आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पर मैं फटाफट डर्ट को तोड़ लेता हूँ और नीचे की तरफ जो रहते हैं वो स्केलेटन रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर स्केलेटन है तो यहाँ पर ही स्पॉनर होगा, तो यहाँ पर मैं एक तोड़ता हूँ तो वो मुझे मारने लग जाता है। भाई मतलब भाई मैं तेरी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं भागा तो मुझे तू मार रहा है यार, मतलब यार समझ रहे हो यार, वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी लेकिन वो मुझे मार रहा है। तो यहाँ पर वो बंदा ऊपर आता है तो यार मैं अपने स्माइट वाले शॉट से मैं मारता हूँ और उस नल्ले को ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर वो मारे जा रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं फटाफट क्या करता हूँ, वो नीचे की तरफ चला गया। तो यार फटाफट अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं खाना खा लेता हूँ और मैं पिकैक्स तोड़ने लग जाता हूँ वो स्पॉनर को। और यहाँ पर फटाक से स्पॉनर टूट जाता है, मतलब क्या ही बोले कितनी जल्दी टूट गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ और यहाँ पर फटा हम चलते हैं दूसरे स्पॉनर की तरफ, ठीक है। मरने के बाद मैं फिर नीचे जाता हूँ तो यार यहाँ पर मैं ब्लॉक लगाया, ठीक है, 2 ब्लॉक लगाया। और यहाँ पर ये देखो, मतलब लॉजिक भाई, वो मतलब उस दीवार से टपक के आ गई, ग्लिच देख रहे हो यार, क्योंकि वहाँ पर मैंने दूसरा ब्लॉक जब लगाया था वो उस ब्लॉक के ऊपर खड़ी थी, इसलिए वो ब्लॉक आप लोगों को दिख रहा है कि ब्लॉक लग चुका है लेकिन वो एक ग्लिच है, इसकी वजह से वो ब्लॉक नहीं लगा हुआ वहाँ पर, ठीक है। तो मैं फटाफट चलता और उस डाइंस को मारता हूँ, ठीक है। मरने से रे यार, तो मैं उन लोगों को छोड़ के तो यार यहाँ पर मैं आगे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यार उनके उन पर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उनका विश्व स्पॉनर तो मैंने ले ही लिया है। तो यहाँ पर से मैं रास्ता बनाता हूँ आगे जाने का। तो यहाँ पर एक ब्लॉक और यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट ब्लॉक तोड़े जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ता कुछ मिल गया। और यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ तो यार वहाँ पर उतने सारे ज़ॉम्बी स्केलेटन और यहाँ पर बच भी यार बड़ा बड़े यार ब्लॉक लगाता हूँ यार, मुझे मार जाते यार ये लोग यार, इतने क्यों मारते हो यार, मतलब यार मैं यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ यार, मुझे मार रहे हो यार इतना, यार कौन मारता है यार उतना, यार अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं मारती है यार। तो यहाँ पर मैं फटाफट यहाँ पर खाना खा लेता हूँ यार, मैं आधा हार्ट पर बचा हूँ यार, इतना पॉइजन यार, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ठीक है। अराउंड 1 घंटे की ये रिकॉर्डिंग है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था पता है इनसे यार, इतना मार रहे हैं भाई कॉन्स्टेंट, इतना मार रहे हैं भाई, मतलब यार क्या बोलूँ मैं, बॉक्सिंग बैग बना दिया मुझे, पंचिंग बैग नॉट अ बॉक्सिंग बैग, इसका पंचिंग बैग बना दिया यार मुझे। तो यहाँ पर मैं फटाफट ब्लॉक तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे बस स्पाइरल चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एक ब्लॉक तोड़ता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ कि वो नल्ले ना आ जाए। तो यहाँ पर ये ब्लॉक तोड़ के तो हम आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैं ये वाला ब्लॉक इसीलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो स्पॉनर लेना है, ठीक है। तो मुझे तो पता था कि स्पॉनर कहाँ पर है, तो फटाफट हम स्पॉनर को ले लेते हैं। ये अराउंड मुझे 3रा स्पॉनर मिला नीचे वाला, ठीक है, नीचे की तरफ वाला। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई लोग। तो नीचे की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी तो हैं यार, मैं नींद में इसीलिए हूँ, मतलब नींद मुझे इसी वजह से आ रही है क्योंकि यार मैं रिकॉर्डिंग में कॉन्सटेंट कर रहा हूँ। और मैं रात के अराउंड कितने बज रहे हैं अभी 1:23 हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्लाइम के स्पॉनर एंड स्पाइडर स्पॉनर दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा चालाकी करते हैं कि यार साइड से अपन अगर चाहें तो यार हर जगह पे हो रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये स्पाइडर रहता है वो मुझे तंग करने वाला है, आप लोग देखो। हेलो भैया कैसे हो। तो यहाँ पर से अपन ब्लॉक तोड़ के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर से रास्ता तो नहीं बन रहा है तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पर से हम ट्राई करते हैं कोई स्पॉनर ढूंढने का, अगर स्पॉनर मिल जाए तो सही है, फ़ायदा ही फ़ायदा, अदरवाइज लॉस ही लॉस। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आई डोंट नो कि मैं क्या करता हूँ लेकिन मैं रास्ता बना रहा। तो यहाँ पर मुझे स्पॉनर नहीं मिलता है इतना खोदने के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मे बी अच्छा छोड़ देता हूँ या फिर
मैं जंप करने वाला, मैं भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा मुझे नहीं माना, अब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि यह मैं विच को मार सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं मार नहीं सकता विच को क्योंकि वो विच है, वो हील की पोशन है उसके पास, तो वो हील कर लेगी फिर से। ठीक है तो हम चलते हैं दूसरे स्पॉन्डर नीचे की तरफ। तो यहाँ पर फटाफट मैं रास्ता बनाता हूँ आगे की तरफ जाने का, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत सारे, आप लोग देख सकते हो कि अभी भी बहुत सारे जिंदा। और यहाँ पर हमारे स्केलेटन भैया आगे आ जाएंगे। देखो भैया को हमने बुलाया नहीं, दावत नहीं दी, लेकिन भैया को फ्री के बिरयानी खाने, फ्री के बिरयानी खाने इनको, इसीलिए वो नीचे आ गए। मतलब हम क्या ही बोले यार इस स्केलेटन को। यार ये देखो मुझे मार दिया इसने, मतलब यार क्या ही बोले यार, इतना नाक पे दम कर। तो हम फटाफट हम चलते हैं फिर से नीचे, और फिर से मैं यार आप लोगों को स्केलेटन वाला नहीं दिखाने वाला, मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ आखिरी की बार। तो इनको मैं फटाफट मारता हूँ, ये फट जाता है। तो हम चलते हैं यार वहाँ पर, देख सकते हो कि ये है हमारा डायमंड ब्लॉक। ये डायमंड मिल गया तेरे भाई का, डायमंड मिल गया, ये डायमंड मिल गया, डायमंड 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 मिल गया यार तुम्हारे भाई को फाइनली क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉक में। ठीक है कोई नहीं बोलेगा मैं नूब है, ठीक है मेरे को मिल गया डायमंड। और डायमंड का यार आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को डायमंड का जो जनरेटर का जो टाइम होता है ना वो टाइम दिखाने वाला हूँ, ठीक है जब मैं जनरेटर उठाता हूँ। तो यहाँ पर मैं चालाकी क्या करता हूँ, मेरे पास रहता है लावा, मैं लावा उन पर डाल देता हूँ, वो लावा से मर जाते हैं, वो भी मरता है, उसका बाप भी मरता है, उसका दादा भी मरता है, और उसके बच्चे भी मरते हैं। ठीक है तो यहाँ पर स्लाइम का वो जन्म दे दिया स्लाइम को, फिर उस स्लाइम भी मर गया। ठीक है हम फटाफट यहाँ पर पूरा क्लियर करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लास्ट वाली फुटेज। फाइनली यार हमें हम लोगों ने आप लोगों की सपोर्ट के लिए हमने पूरा आइलैंड को क्लियर कर दिया। जितने भी मॉब्स थे यार बहुत सारे थे यार, मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने सारे मॉब थे तो मैंने सारे को मार दिया। और यहाँ पर यार हमारा खुशी का जो डायमंड टेम्पल, इतना खुश हूँ मैं यार, मुझे मिल गया डायमंड यार। और डायमंड यार कितना टाइम लेने वाला आप लोग देखो यार, आप लोग खुद बोलोगे शाकुब भाई यार आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं देखो मैंने डायमंड जनरेटर से ये लिया, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसका टाइमिंग क्या है। ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा इन्वेंट्री फुल है यार तुम्हारे भाई का, चार स्पॉनर अभी भी इन्वेंट्री में है। ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को मैं टाइम दिखाता हूँ, आप लोग टाइम देखो, आप लोग टाइम देख के बोलोगे भाई शाकुब भाई इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है इसमें। यार 12 घंटे लगने वाले हैं यार वो रियल वाले दिन का। तो यार मैं फटाफट यार आप लोगों को पूरा आइलैंड क्लियर करके आप लोगों को घर जाकर मिलता हूँ। ठीक है और आप लोग देख सकते हो कि यार मेरे पास 13 मिलियन कॉइन है, मैंने सारा अपना जो पिक का फार्म है उसमें से सारा ये निकाल कर पिक के शॉप को सेल करके मैंने 13 मिलियन कॉइन लिया था। और यहाँ पर फटाफट मैं 5 पिक स्पॉनर ले लेता हूँ आप लोग देख सकते हो, और मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ उन पिक स्पॉनर को लगाने के लिए। तो यार हमें टोटल अराउंड 11 या 12 हमें डायमंड ब्लॉक मिलते हैं, जो यार 12 घंटे लेने वाले हैं। और हमें शुगर केन मिलता है, हमें डार्क ओक मिलता है, और हमें वहाँ पर कितने 14 या 15 स्पॉनर मिलते हैं टोटल। स्लाइम 4 विच 4 रहती है, उसके बाद जॉम्बे स्केलेटन स्पाइडर केव स्पाइडर क्रीपर, इतने सारे स्पॉनर अलग अलग रहते हैं। ठीक है तो यार इतने सारा स्पॉनर एंड एक्सेट्रा स्टफ, तो यार मैं बहुत ज़्यादा ही कट कर दिया यार, और मेरे से ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। और अभी यार अराउंड कितने 1:43 हो रहा है, इसको मैं एडिट करके एक्सपोर्टिंग पर लगा कर मैं सो जाऊँगा यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार कमेंट करना आप लोगों को किस पार्ट में मज़ा आया, किस जोक में मज़ा आया, किस मीम में मज़ा आया, और
कैसे कैसे मीम और मुझे ऐड करने चाहिए, आप लोग कमेंट करो। और यार फटाफट यार सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और लेते हैं आप लोगों से अलविदा। आप लोगों को मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो पर। साइनिंग आउट, बाय बाय। Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something.